निकम्मी सरकार का लड़किया इस अंग्रेज तानाशाही सरकार था और महाराज तो उसने पसीना की जगह खून बह दिया और अपनी जिंदगी अपने प्राण दाव पर ला दिए और अपनी संख्या देखो रही इशार रहे हो दुख आया भाई हो जको भाई साथी कैली भी महंगी हो गणी कैली आ रही है अरे जो महाराज तरह अपनी जिंदगी दाव पर ला रहा है और उसके तरह में के नहीं कर सकते रहे मारी जिंदगी घनी प्यारी है के माम भी भाई जीन तारे हैं खटके टोल पाते उठ के जिस टाइम रोला आया था उसे टाइम जमा आधी रात ने भी आड़े डटरे हैं आप लोगों ने बेरा भी है लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं एडवांस सीखे हैं सब खासकर क्रांतिकारी इलाका है यू इजार का लेकिन संख्या देखो रहा लोगो गणी कह ली भाई और ज्यादा ज्यादा संख्या में अपने गांव में फोन करो अपने अलाउंसमेंट करा दो ज्यादा ज्यादा संख्या में इकट्ठे हो गए नू गए ना बंदी बुहारी का फर्क हुआ लोगो बंदी बुहारी गलत कि मैं कर लियो अगर आ बढ़िया नू मैसेज आओ करना वाली डाली इतनी भीड़ है तो यहाँ प्रशासन वाली पिंडी कह देंगी और जाने मुट्ठी भर लोग रवांगे तो भाई नू पिटांगे एक भाई उम्र नहीं रहे और मर जाएंगे देखा आप तो मरने ना रहे भाई अगर शटर तोला अगर जब अपना घर आई कुदड़ी मेठा रहा लोड़े को दिया रात ने बैठनगी सताई है या और इंसाफ दीवान है तरह रहे हैं तो आखिरी दम लग रवांगे और खटके टोल की भाई दमा खुला चैलेंज है जित ऐडा सियाले अगर पसीना बहेंगे तो वहां में खून बहाने तैयार हाँ ठीक है नी दिल तो साथ देने आ रहे हैं कांधा कांधा मिला के साथ देवोगे अपने भाइया का नहीं भाई यो गांव में फोन करो अरे योगदान दो अच्छा आगे खड़े खड़े दिखे जाओ और तो मां हमें समझ लेंगे मरने तैयार हां मत जो कहोगे फैसला तारा होगा मानना मामे के भाई ठीक है नी और साथियों जीना जरूरी नहीं है एक तो जीना भगत सिंह की मां ने कहा था बेटा जीना हो के जीना है और वह मौत भी के मौत है जिसने 10 दिन पाछा कोई याद भी नहीं करा मरना तो साथियों वो मरना है जल दुर्ती आसमान या दुनिया रंदी लग नाम बात है और ये भगत सिंह और भी यार वहां भी तो घर बसा सके थे वहां भी घर में रह सके थे बढ़िया बढ़िया घर आना बालक थे वह लेकिन साथियों उनने झुकना मंजूर नहीं था गलत चीज को सहन करना बर्दाश्त नहीं करे उनने और अंग्रेजी हुकूमत के सामने साथियों उनकी बहुत बेइज्जती हुई है उन टाइम में कदे नो आजादी नुए मिल गई थी चरखा चलाने का जाति कौन मिलती थी कदे किसी साथी के बहम हो आतंकवादी की उपाधि मिली नक्सलवादी है या तो गुंडे मवाली है उनते भी कही कर दिया सरकार सरकार लोग भी तो उनका है पिट्ठू थे और चंद्रशेखर अल्फेक पार्क में मरा कौन था अंग्रेजा ने नू कौन बेरा था वह अल्फेक पार्क में चंद्रशेखर आजाद है हमारे थे मारा में थे वह पिट्ठू अंग्रेज जाके वह आज भी हैं जो इन नेता लोगों का आदरी मारे हैं अल्फेक पार्क में गिरा है और वो शेर हजारों की संख्या में थे लेकिन कल्ला रहे लोगो उनका बीच में दहाड़ के हमला किया था सैकड़ों की संख्या में अंग्रेजा ने मार के और आखिरी गोली अपना गात में मार ली थी उन अंग्रेजा के हाथों ने मरना उसने पसंद नहीं किया था वह उन मतलब देशभक्त आगे वो सजा पा अरे लोगो उन देशभक्त ने 7,32,000 देशभक्त ने कुर्बानी दी थी जब जाके इस भारत मां ने बेड़िया में भारत मां बांध रखी थी उसने आजादी दिलाई थी आज फिर इस देश में दूसरी क्रांति की जरूरत है क्यों है क्योंकि चंद मुट्ठी भर लोग कुर्सी के कीड़े इस देश में इस भारत मां के पवित्र दामन को छूने की कोशिश कर रहे हैं ना तो उस टाइम देशभक्त की कमी थी ना आज है साथियों अगर हमारी भारत मां पर आंच आवेगी तो हम मरना मंजूर है लेकिन अपना देश पर आंच नहीं आने देंगे और इन काले कानून के खिलाफ हमारी लड़ाई जंग जारी है और जारी रहेगी और साथियों आप लोग आते देख हाथ जोड़ के यही अपील है बस ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने गांव में मैसेज कर दो देखो वो भाई उसने इंसाफ दिलाना है तर उसके परिवार ने हमें हारे हारे और आसी और इशार के लोगों ने तो ज्यादा मात्रा में आना चाहिए क्योंकि जो लोग दूर तक हैं वो तो जिस दिन कहोगे उस टाइम आ जाएंगे आधी रात में तैयार हैं नहीं तारा भी मना है थोड़ा हा इसमें से को साथी कैली मानियो भाई जमा खड़तल कहा हाँ आप तो क्यों संख्या ने देख कर कैली आई है और कोई गलती होगी तेरा बालक हूं बेटा हूं माफ कर दियो।